जगह आप देख सकते हैं फिलहाल झूले का लगाया गया जो कि सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर है। फिलहाल देख सकते हैं ये सभी मैं आपको कह सकते हैं उस एरिया। फिर से न्यू डे में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग हैं तेजा टोला लंगरा बगान में और फिलहाल मैं बात कर लूँ कि गणेश चतुर्थी फिलहाल कटिहार में दो जगह मनाया जाता है। पहला आपने तो वीडियो देख ही लिया, दूसरा मनाया जाता है लंगरा बगान तेजा टोला में। और फिलहाल मैं पिछले साल मनाया गया था ना तो यहाँ पर आया था लेकिन मिस हो गया था, इस पिछला वीडियो नहीं दे पाया था। लेकिन इस बार बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, सामने में इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, वहां जाके आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात कर लूँ कि धूप जो है ना काफ़ी एकदम फेस पे लग रहा है और जलन ऐसे महसूस हो रही है, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि गणेश जी फिलहाल विराजमान इस जगह पर होने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं पूरा भव्य तरीके से पंडाल का डेकोरेट किया जा रहा है, जो कि आर्टिफिशियल फूल तरह से सजाया जाएगा और ये काफ़ी ऊंचा होता है। ये फिलहाल मैं बात कर लूँ कि एकदम भव्य तरीके से इसे बनाया जाता है, जो कि अभी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। फिलहाल इसमें इस ग्राउंड पर मेला भी लगना है, वो भी दिखाएंगे आपको किस तरह के झूले उले आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्या ही शानदार लुक लगेगा जब ये पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बन रहा है। मैं फिलहाल मैं बात कर लूँ कि पूरा स्क्वायर की तरफ बनाया गया है, देख सकते हैं सामने में ही इस यहीं से फिलहाल गेट होगा और सामने में गणपति जी विराजमान होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं पूरा येलो और प्लाई का वर्क किया गया है। देखिए कुछ स्क्वायरिंग वाला आपको सामने में से ये डेकोरेशन मिलेगा, जो कि अभी तो फिलहाल इसे तैयार किया जा रहा है, मतलब डे नाइट में पूरा इसे तैयार कर दिया जाएगा। फिलहाल एक दिन तो बचा हुआ है और फिलहाल गणपति जी का पूरा ये, और ये रहा ये ग्राउंड, आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड में आपको मेला ऐसा पूरा लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं नाव वाला है। और फिलहाल यहाँ बच्चों के लिए झूले लगाए गए जंपिंग वाला, और फिलहाल उधर भी बड़े झूलों का तैयारी की जा रही है। ये पूरा जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना पूरा लाइटों से जगमगा उठता है और शाम के समय आपको पूरे मतलब कह सकते हैं चाट चाउमीन खाने पीने की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और वहाँ से जैसे आपको दिखाए हुए थे कि रोड पर से देखिए पूरा बांस से डेकोरेट किया जा रहा था, पूरे मेरे फिलहाल लाइटिंग भी होना है, शायद देखिए लाइटिंग वोटिंग होता है, आके भी दिखाएंगे किस तरह से सजा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए बच्चों के लिए तो भरपूर मजा आने वाला है इस पूरे में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये मंदिर है भाई, क्या ही भव्य बन रहा है। जगह आप देख सकते हैं फिलहाल झूले का लगाया गया जो कि सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर है। फिलहाल देख सकते हैं ये सभी मैं आपको कह सकते हैं उस एरिया में भी झूला रहेगा, इस एरिया में भी झूला रहेगा। और पूरा ग्राउंड जो आप देख रहे हैं इसमें आपको खाने पीने की मिल जाएगी, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, सब कुछ हो गया मिल जाएगा। और पूरे लाइट में आपको डेकोरेट किया जाएगा। फिलहाल धूप तो भाई जोरों शोरों से माथे पे लग रही है और क्या ही बताएं आपको। तो चलिए आपका भाई मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब ये सच कर तैयार हो जाएगा तो आपके लिए और एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी का जो तैयारी चल रही थी उसको आपको दिखा दिए। आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपका भाई मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।